नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आईफोन के 7 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज और ऐसे ही ट्रिक्स आपको देखने को मिल सके। और इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और आपको कोई सा फीचर पता था या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला हमारा फीचर है ट्रांसलेट। हम आईफोन के कैमरे को यूज करके किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे जाना है। देन जो भी है आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं लाइव टेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जो भी टेक्स्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा साइड में करना है, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसलेट करना है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट कर दिया। सेकेंड है हम लॉक स्क्रीन पे कैमरा ओपन कर सकते हैं बिना उसको अनलॉक करे। आपको क्या करना है, सिंपल सा स्वाइप लेफ्ट करना है, लेफ्ट स्वाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। थर्ड हमारा हम कंट्रोल सेंटर में लो पावर मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन कंट्रोल सेंटर, और यहाँ से आपको जो लो पावर मोड है वो यहाँ से ऐड कर देना है। यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करना है एंड ऐड कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो लो पावर मोड को। फोर्थ हमारा है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल, कीबोर्ड। कीबोर्ड में जाने के बाद टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो चीज टाइप करनी है जो आपको रिप्लेस करनी है टेक्स्ट। जैसे मैं लिखता हूँ आई नो, इसको हम रिप्लेस करेंगे आई के से, सेव। एंड जहां पे भी आप आई के टाइप करोगे, स्पेस क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए डाला है वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। फिफ्थ हमारा है हम वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं। iOS 16 पे आपका फोन अपडेट है तो आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हो। सेटिंग्स में जाने के बाद वाईफाई पे क्लिक करना है, देन जिस भी वाईफाई का पासवर्ड देखना है जो आपका कनेक्टेड है, आई बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद फेस आईडी पूछेगा एंड उसके बाद आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। सिक्स हमारा है हम लॉक स्क्रीन पे अब फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन को आपको होल्ड करके रखना है, देन कस्टमाइजेशन, लॉक स्क्रीन, एंड यहाँ से आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो यहाँ से फिल्टर्स एड कर सकते हो। आप देख सकते हो फिल्टर चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा आप फिल्टर्स चेंज कर सकते हो। लास्ट और सेवंथ हमारा है हम किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें जैसे ये मेरे पास फोटो है, इसमें से मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखूंगा, जो लाइन आएगी एक बन के वो ऑटोमेटिकली उसको रिलीज करोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन भी आ जाएगा और यहाँ से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां ले जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया, फोटो ऐसी थी एंड अब ऐसी हो गई है। तो ऐसा आप फोटो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो अगर आपके पास iOS 16 पे अपडेट है। तो बस यही 7 फीचर्स थे आईफोन के बारे में और यही ट्रिक्स थी। आपको इसमें से कोई सी ट्रिक्स पता थी या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।